डिस्टर्ब तो होबे करता मगर आदमी पेटला क्या किया जा सर, मजबूरी में तो चलने पड़ता आदमी को। अहाँ के खाना मिले है? ना, पानी जो उठा के पीबे से। संख्या 17 पे है, यहाँ पे देखिए जो लोग दरभंगा से आए हैं उनसे हम कुछ पूछ रहे हैं। अब देखिए भैया, अहाँ के नाम की भेल? मोहम्मद सागिर सर। अभी यहाँ कहाँ से लिए? दरभंगा से। दरभंगा से जी। आप क्या मतलब क्या करते हैं दरभंगा? करते हैं सर बेलदारी, मतलब मजदूरी। मजदूरी जी। आप मजदूरी में क्या मतलब किस टाइप का मजदूरी करते हैं? भाई लेबर सब में खर्चे 400-300 ऐसे कमाते हैं। और अभी जो आप दरभंगा से आए हैं तो आप इसी पुल होके आए हैं? जी यही होके। रोज आते जाते? रोज आजे जाके। तो रोज आते जाते हैं, इस पर आपको डर नहीं लगता है? अब सर क्या किया जाए, पेट के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना सर, पेट तो नहीं मानेगा ना। जी, तो आप मतलब रेगुलर इसी पुल से आते जाते रहते हैं? जी। और आपको मतलब गवर्नमेंट का कोई सुविधा मिला है? कोई सुविधा नहीं सर, कोई सुविधा नहीं मिला हम लोग अभी तक। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला हम लोग को। और आप लोग मतलब यहाँ से आते जाते हैं और यहाँ पे मतलब डिस्टर्ब नहीं होता है? डिस्टर्ब तो होबे करता मगर आदमी पेटला क्या किया जा सर, मजबूरी में तो चलने पड़ता आदमी को। जी धन्यवाद। अभी देखिए यहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो लगभग यहीं पे रहते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं। आप यहाँ पे कितने दिनों से रहते हैं? यहाँ पर हमरा तब जलम गए रेलवे पर आए, 9 दिन से रहते हैं। 9 दिन से रहे? जी जी। तो 9 दिन से रहे छियै तो अहाँ के खाना मिले है? ना, पानी जो उठा के पीबे से। खाना नहीं, खिचड़ी मिले है? हाँ खिचड़ी, मतलब पड्डे खिचड़ी मिले छे कि बदल बदल के मिले छे? नहीं नहीं, खाली खिचड़ी। खिचड़ी खाली? हाँ हाँ। और अहाँ के मतलब कहाँ पर मिले है? जाए है वही पार से लोबे है धुईया पुत्र। मतलब अहाँ के लावे जाए पड़े है? लावे जाए पड़े, मतलब यहाँ पहुँचाबे नहीं है पैक कर के चाहे कैसे हो? नहीं नहीं हजूरी। और कुछ सुविधा मिलल हन पन्नी में? पन्नी भ गेल कता ना लिखल है लेकिन एले नहीं नहीं मिलल की नहीं मिलल? नहीं मिल ले। आ गाय भैंस रखने छी अपने? हाँ हाँ। क्या गो रखने छी? एक गो हमरा भैंस है। भैंस है, भूसा मिलल हन? नहीं हमरा अनटेड भूसा है, लेने हमरा सरकार के नहीं मिलते वो ले हमरा हर जा नहीं। कुछ नहीं मिलल हन अभी तक? कुछ नहीं अभी तक। आप देख सकते हैं नीतीश सरकार की गवर्नमेंट में ऐसी लापरवाही हो रही है जिसको हम बता नहीं सकते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं इनको खाना लाने के लिए खुद जाना पड़ता है पुल के उस पार। अगर मान लीजिए रात में अगर इनको भूख लगा, मतलब ये सामान लाने कैसे जाएंगे पुल पार करके? इतनी समस्याओं के साथ ये लोग इतनी समस्याओं को झेल रहे हैं। चलिए आज हम आपको पुल संख्या 17 का दृश्य दिखाते हैं। आपको मैंने 16 का दृश्य दिखाया है, अभी मैं 17 पे हूँ, पुल संख्या 17 पे हैं जहाँ से आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं। आज जो पानी का मानक है वह पानी का मानक न घटा है और न ही बढ़ा है। आप देख सकते हैं कैसे लोग अपने जीवन यापन के लिए घर कहाँ पे बना के रखे हैं। जिस रास्ते से हम हायाघाट से दरभंगा भाया दरभंगा को जाते हैं वहाँ पे एक पुल पड़ती है, उस पुल पे आदमी घर बना के रह रहे हैं। और यहाँ पे जो रेलवे साइड में आपने देखा ही है, जो रेलवे साइड के जो जस्ट बगल में है वह अपने घर से सामान लाते हैं, नाव से जाते हैं और नाव से आते हैं। और अभी हम जो पुल पे हैं वह पुल संख्या 17 पे है, नया वाला पुल है। आप देखिए